चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता के साथ यूपी में विधानसभा चुनाव करवाने की बात कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पार्टी सदस्य चुनाव प्रचार के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशियों ने नोएडा और जेवर विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली थी। इस दौरान वहां खूब भीड़ उमड़ी और कई लोगों ने जमकर नोट बरसाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नोएडा विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी और जेवर से आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना की रैलियों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। भड़ाना की रैली जब एक गांव में पहुंची तो वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर उनके कुछ समर्थकों ने जमकर नोट उड़ाए। रैली में डीजे भी था, जिस पर तेज आवाज में गाना बज रहा था और उसके पीछे लोग डांस कर रहे थे। इसी तरह जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी वोट मांगने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने भी नोटों की बारिश कर दी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर जारी है, जहां रोजाना कई मरीज सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रोड शो और रैलीज पर रोक लगा रखी है। प्रत्याशी सिर्फ 5 लोगों के साथ ही जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चुनावी पार्टियां इन सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी ही मनमानी पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।